इस बीच एक बड़ी खबर, टर्की ने सीरियाई लड़ाके अजरबैजान भेज दिए हैं। 4000 सीरियाई फाइटर टर्की ने आर्मेनिया भेजे हैं। तो आर्मेनिया और अजरबैजान दुनिया का एक नया वॉर फ्रंट बनता जा रहा है। हालांकि पहले भी इनमें काफी क्लैशेस हुए हैं, लेकिन क्या इस बार मामला बड़ा है, क्या इस बार ये बात हाथ से बहुत आगे निकलने जा रही है। कैरन, सीधे आपके पास आऊंगा, कैरन आता हूं आपके पास, लेकिन ये जानकारी दे दूं कि कैसे कुर्द लड़ाके गए हैं वहां पर आर्मेनिया और अजरबैजान के इस वॉर फ्रंट पर। पहला विश्व युद्ध जहां पहले से पहले अस्तित्व में था कुर्दिस्तान, ये हम ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। समझिए, देखिए, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जहां एक अस्तित्व में था कुर्दिस्तान, एक देश था, लेकिन उसके बाद कुर्दिस्तान का इलाका कई देशों में बंट गया। सीरिया, ईरान, इराक, टर्की, इन सब में फैले हुए हैं कुर्द समुदाय के लोग और कुर्दिस्तान की स्थापना के लिए जंग लड़ रहे हैं कुर्द लड़ाके। कुर्दों की आबादी करीब 3.5 करोड़ है और ये लड़ाके सुन्नी इस्लाम को मानते हैं और टर्की ने अब इनको भेज दिया है आर्मेनिया और अजरबैजान के फ्रंट पर अजरबैजान की तरफ से लड़ने के लिए। कैरन, तो क्या आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? टर्की जिस तरह से खुलकर समर्थन ही नहीं कर रहा, बल्कि अब तो अपने जवानों को भी भेज रहा है। फ़र्क पड़ेगा गौरव जी, ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट पे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा कि हम लोग को मतलब कैजुअलिटीज़ ज़्यादा होंगे, लेकिन एंड रिजल्ट यही रहेगा जो अभी है। हम लोग आर्मेनिया पे इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और ज़रूरी सी बात यह है कि दुनिया अभी जंग की बात कर रही है और यहाँ पाकिस्तान मजाक कर रहा है कि हम उसमें सैनिक भेजेंगे, ये करेंगे। पाकिस्तानी भाइयों को बोलो कि थोड़ा अपना हिस्ट्री एक बार देखें, कुछ अपने ज़मीन पे कामयाबी नहीं हुआ है। आर्मेनिया तक आप लोग सैनिक भेज देंगे तो भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तुर्की हम लोग के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लोग को फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको लगता है कि हम लोग पाकिस्तान? चलिए आपकी बात का जवाब ले लेते हैं याकूब भाई से। याकूब हमारे साथ है। याकूब भाई, याकूब भाई, देखिए यहाँ पर कैरन क्या कह रहे हैं। जो बात मैंने कही थी तो आपने कहा था हिस्ट्री बिगिंस टुडे, अब तो यहाँ पर आर्मेनियन भी हमारे साथ हैं। कैरन वो क्या कह रहे हैं, सुना आपने? देखें कैरन, तो जितनी रिपोर्ट कर कैरन ने तो आपकी रिपोर्ट को भी चैलेंज कर दिया, इन्फॉर्मेशन को भी इनकरेक्ट करार दे दिया। कैरन को ये बात पता होनी चाहिए कि जब ये TV9 कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं चला रहा, ये इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ग्राउंड्स आ रही होती है। अगर आप सरकारी इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे तो कभी भी वो नहीं मानेंगे कि जी 100 से ज़्यादा बंदे मरे हमारे। तो पहले तो मैं कैरन को यहाँ पे, और जाहिरी बात है कैरन की बात ठीक है, वो आर्मेनियन है या आर्मेनिया में बैठे हैं, वो तो अपने कंट्री की बात करेंगे। वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान वो जो भी हो वो एक अपने मुल्क से प्यार तो होता है ना, उस हवाले से। और दूसरा मैंने आपसे कहा कि कतन ऐसा नहीं है कि हम आर्मी भेजेंगे 4000 किलोमीटर दूर। मैंने जब सऊदीया जैसे हमारे जिससे इतने अच्छे रिलेशन, अगर हमने वहाँ पे आर्मी नहीं भेजी तो हम अजरबैजान के लिए क्यों कूदेंगे वहाँ पे? मॉरल सपोर्ट अपनी जगह, वो हमारी सपोर्ट रहेगी, मॉरल सपोर्ट अजरबैजान के साथ। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,